रानी माँ ये कपड़े माँ प्रेम मिल गया हमारा प्रेम लगता है तुमने कुछ ज्यादा चढ़ा लिए क्यों क्यों हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं आप कम से कम आज के दिन तो हमारा दिल रख लिया होता हमने कहा था ना हवन के दिन कहीं मत जाइएगा नहीं रानी माँ वीर अपने बचपन के खोए हुए भाई के साथ थे उनके उनके छोटे भाई के साथ थे तो तुम भी इस मजाक में शामिल हो जानती भी हो क्या कह रही हो नहीं रानी माँ ये मजाक नहीं है ये देखिए ये लॉकेट देखिए रानी माँ ये लॉकेट आपके छोटे बेटे प्रेम का ही है ना उस वक्त उस हादसे में ये लॉकेट उसके गले में था ना इसके पीछे ये खरोच देखिए रानी माँ जिसे देखकर वीर ने इसे पहनने के लिए इनकार कर दिया था मुझे पता है कि इस महल में और आपके दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है लेकिन अब मैं बाकी की उम्र हरिद्वार में बिताना चाहूंगा बाबूजी अभी बोला ना आप कहीं रणधीर की मां की यही इच्छा थी सदा सुखी रहो
आज हम बहुत खुश हैं। जिंदगी ने हमसे जो छीना आज हमें सूद समेत वापस मिल गया है। हम राय साहब के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने हमारे प्रेम को इतने अच्छे संस्कार दिए। बाबू भाई, दावत की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आज हम अपने दोनों बच्चों के साथ जश्न मनाएंगे। अमृत, इस घर की बहू होने के नाते सारी तैयारियां आप ही को करवानी है। वीर और रणधीर सगे भाई है, इस नए रिश्ते में अपने आप को कैसे ढालेगी तू? तू जिससे प्यार करती है उसी की भाभी बन के एक छत के नीचे कैसे रहेगी? इसे कहते हैं आप षड्यंत्र? ये थी आपकी बरसों की मेहनत? इसके बलबूते आप इतने बड़े सपने देख रहे थे? बस बड़ी बड़ी बातें करते थे आप। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। लो खा लो मीठा फल। आपकी इसी कछुए चाल की वजह से असली प्रेम ने आकर साला खेल बिगाड़ दिया। आपको एक बात बता देता हूं, मैंने ये वर्दी सलाम ठोकने के लिए नहीं पहनी। तो मैंने पहनती क्या? मैं यहां जी हजूर सलाम ठोकने के लिए नहीं आया हूं। सोचने दो यार, वीर को तो मैंने किसी तरह दवा और दारू से काबू में कर लिया। ये रणधीर ना बहुत टेढ़ी चीज है, इसके लिए कोई हल निकालना होगा। फिर से आप 20 वर्ष की योजना बनाएंगे, फिर से एक लंबा इंतजार, फिर कोई आएगा आपकी 20 वर्ष की योजना में यूं पानी फेर के चला जाएगा। मुझे इस जन्म में गद्दी चाहिए, अगले जन्म में नहीं चाहिए। बता दूं पापा मैं नहीं, अब मैं एक और दिन भी इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हें और तुम्हारी मां को जो मैंने वचन दिया था उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। नलिनी जी को जो बेटा परसों बाद आज मिला है ना, उसे आज ही उस बेटे को खोना पड़ेगा। बीस साल पहले जो बेटा मेरे हाथ से मरते मरते बचा है, आज उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। मेरे बेटे और श्रीगढ़ की गद्दी के बीच में कोई नहीं आ सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।